मैं सभी आए हुए दोस्त मेहमान सबका दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि पूछा इन्होंने कि आर पार की क्या विशेषता है कि आर पार रवि किशन जी और मेरे में, आर पार एक ऐसी स्टोरी है जिसमें रवि किशन भी हीरो हम भी हीरो, बट अपने किरदार में दोनों बादशाह। बाकी कहानी राइटर और फिल्म बताएगी, ऐसे नहीं बता सकते हैं। सर अपने बारे में बता दीजिए कम से कम। जी हम इससे पहले जीत मूवी मैंने की नितेश पांडे के साथ, जिसके डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह थे, और वो मूवी कंप्लीट हो चुकी है। मैं दुआ करूँगा कि जल्दी वो होली से पहले मूवी आ जाए और उसके बाद आर पार की शूटिंग। आर पार में आपके साथ और बाकी कौन कौन से कलाकार हैं? आर पार में सबसे बड़े मेगा स्टार रवि किशन जी, उसके बाद मैं हूँ, और विलन में उमेश सिंह जी हैं, जय सिंह जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग हैं। रवि किशन आए नहीं, पूनम दुबे आई नहीं, जिन दोनों का नाम आपके पोस्टर पर दिख रहा है, दोनों कलाकार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं है, दोनों अपनी शूटिंग में व्यस्तता में शूटिंग में व्यस्त हैं। रवि किशन जी से अभी हमारे मुहूर्त के टाइम उनसे वीडियो कॉलिंग में बात हुई, जो कि हैदराबाद में उनकी शूटिंग चल रही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया यहाँ पर आने का, लेकिन वो आ ना सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया वीडियो कॉलिंग के जरिए, बहुत आशीर्वाद दिया हमें, और मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूनम दुबे जी भी कहीं शूटिंग में व्यस्त थी तो वो भी नहीं आ सकी। जी हाँ, पहले तो मैं यहाँ पर मेरे सामने साकेत बैठे हुए इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, हमारे डायरेक्टर अजय गुप्ता जी को बधाई देना चाहती हूँ, रवि जी को, फिल्म की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ जो आर पार की पूरी टीम है, और मैं बहुत शुभकामना दूंगी कि ये लड़का बहुत आगे बढ़े, बड़ा स्टार हो, अच्छा काम करे, चूँकि इनसे मेरा पारिवारिक संबंध है और हम इनके गाँव के निकट के हैं, तो दिल से मेरे लिए बहुत मैं कहूँगी कि वेल विश हो, और आप सभी को भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही है कि मेरी भी आने वाली जितनी भी फिल्में हैं वो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, उसके बारे में छापते रहिए, और इस फिल्म के लिए हमें भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस फिल्म में मैं भी काम कर रही हूँ, तो मैं आज अपनी हिंदी फिल्म की शूटिंग से सीधा यहाँ पे ही मैं आई हूँ, तो थैंक यू और विश यू वेरी थैंक यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैं सिंगर मतलब बन रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास चालू है, मेरे गाने एक गाने मेरे अभी यूट्यूब पे हाल ही में चढ़े अपलोड हुआ है, और भी 3-4 गाने हैं जो अपलोड होने वाले हैं, उसके बाद होली गीत भी मेरा आएगा, और मेरी आर पार सुना देंगे, हमारी आर पार मूवी में भी गाने मेरे रहेंगे, कुछ 3-4 गाने मेरे इस मूवी में रहेंगे, बाकी मार्केट के सिंगर लोग के गाने रहेंगे। आपने बोला कि मेरे गाने सुनाओ, तो जो एक गाना बज रहा था डांस के तौर पे, उसका एक मुखड़ा है, पंक्ति सुनाता हूँ मैं आपको कि छोट बाट लइका के कैसे समझाई कि जब लेना तू अइबा घरे कैसे बनब माई, क्या बात है, वाह, कि जब लेना तू अइबा घरे कैसे बनब माई, ये एक पंक्ति था उसका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। और राम जी मीडिया वाले आपको कुछ पूछ लेना? नहीं नहीं, रवि जी के साथ ये मेरी पहली मूवी है, इससे पहले मैं रितेश पांडे जी के साथ काम किया, और ये मेरी दूसरी मूवी है जी। सुनो, और कुछ पूछना है? मुझे जरा बताएं, बाकी प्रेक्षक आते हैं, कैसे ये एक ख्वाब, एक सपना जो कि अब पर्दे पर आने की तैयारी पर है, राह पर है, ये कैसे शुरू हुआ? ये पिक्चर के पीछे कुछ बातें हैं मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे। दरअसल हमारे भोजपुरी में सबसे बड़े महान राइटर वीरू ठाकुर, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस पिक्चर के भी वही राइटिंग कर रहे हैं, वही स्टोरी लेखक सब कुछ वही निर्देशक, मतलब ए टू जेड वो डायलॉग वाला भी वही लिख रहे हैं, तो मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है,
तो मैंने बोला कि आप बताइए मुझे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये स्टोरी है। और डायरेक्टर जी भी अजय गुप्ता जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी पवन जी की मूवियाँ की हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि साकेत तुम करोगे ये मूवी? तो मैं बोला हाँ सर मैं करूँगा, स्टोरी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला कि ठीक है मैं भी सर करूँगा। तो उसमें फिर कास्टिंग होने लगी कि कौन कौन करेगा, तो फिर भाई प्रोड्यूसर जी मिले, प्रोड्यूसर जी ने बोला कि करते हैं तो दो हीरो की कहानी लेके उतरते हैं। तो फिर बाद में रवि किशन जी से बात हुई, तो वो हालांकि बहुत बिजी थे फिर भी हमें टाइम दिए और हमें हमारी पिक्चर को साइन किया और हमारे शूटिंग का डेट दिए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको और सभी टीम को और सभी लोग को दिल से धन्यवाद जो आप लोग यहाँ। आज साकेत जी का बर्थडे भी है, तो साकेत जी को पूरी टीम की तरफ से और फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे साकेत, तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम ऐसे आगे बढ़ो, और भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। स्टोरी लिखी जाएगी, बस इतना मालूम है कि वो हमारे साथ, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और नहीं, वो उस टाइप की मूवी नहीं है, करण अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगी स्टोरी मार्केट में तो आप लोगों को सब दिख जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि जो भी किरदार वो निभाएंगे और जो किरदार मैं निभाऊंगा बहुत ही अच्छा सबका किरदार होगा। दोस्त है या नहीं है बड़े भाई? ये नहीं बोल सकते हैं, दोस्त है या दुश्मन नहीं बोल सकते, वो तो डायरेक्टर जी और राइटर जी तय करेंगे। थैंक यू।